నిజామాబాద్ జిల్లాలో లేబర్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ గంగాధర్ ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్నారు. हम अपने मंत्रालय में बहुत परिवर्तन कर रहे हैं. इस समय देश के अंदर श्रम के 40 के करीब कानून हैं. इनको हम सरलीकृत करके 4 कोर्ट्स में बदल रहे हैं. और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार या भारत सरकार हमको मदद नहीं करती है. हम मजदूरों के पैसों से ही उन योजनाओं को चलाने का काम करते हैं. जितने भी योजनाएं हैं, चाहे पर ईएसआई का अस्पताल हो, चाहे फिर अन्य प्रकार की पेंशन की योजनाएं हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, ये सारे काम हम सब लोग मिलकर करते हैं. पर यहाँ पर आकर हम ये भी जानकारी कर रहे हैं कि कहीं कहीं राज्य सरकारें जो है उनके द्वारा कुछ समस्या पैदा हो रही है, हमारी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है. जैसे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की हम लोग आर्थिक सहायता करते हैं अपने हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, मकान बनाने के लिए. कहीं कहीं पर ये समस्या नजर आ रही है. पैसा हम देते हैं सीधा और उसको निर्माण कार्य में हम लोग सहयोग करते हैं. आज हम इसलिए भी यहाँ पर आए कि ऐसी कोई अगर शिकायत मिलती है तो हम उसका समाधान भी करेंगे और समस्या को हल करने का काम करेंगे. आज ये बात सही है कि हम जो यहाँ पर आए इसी बात को लेकर आए कि नंबर एक जो योजनाएं हम चला रहे हैं उनका लाभ वास्तव में संबंधित मजदूर भाई को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है. और हमारे पास, हमारा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसके पास मजदूर जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो खर्च करने की हमारे पास कोई कमी नहीं है.